जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि भारत के इतिहास को किस तरह से ईसा पूर्व छठी शताब्दी प्रभावित करता है, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जो पूरे इतिहास के प्रवाह क्रम को प्रभावित कर डालता है, न केवल भारत के इतिहास को बल्कि विश्व के इतिहास को ये प्रभावित करता है। और उस समय ही नहीं बल्कि अभी भी वह घटनाओं का प्रभाव आज भी है हमारे सोच में, हमारे समझ में, हमारे चाल चलन में, हमारे ढंग में, हमारे व्यवहार में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे देश के मिट्टी में रचा बसा है। तो हम लोग क्यों ना इसको पढ़ेंगे और क्यों ना इसको समझेंगे, ये तो एक गर्व की बात भी है और आपको एक विद्वता का आपको बहुत मज़ा भी आएगा, गोता लगाने का भी मज़ा आएगा और आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी बिल्कुल सटीक और अच्छे ढंग से समझ भी पैदा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इतिहास में समझ को पैदा करना, खाली तथ्य और फैक्ट्स को रटने से काम नहीं चलता है इतिहास। इतिहास खाली सिर्फ ईस्वी और सन को रटने से इतिहास नहीं होता है बल्कि इतिहास को कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आजकल जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं ना एग्जाम्स में वो कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है, तथ्य से कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आजकल जो है ना कंसेप्ट पूछना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, उससे ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी का। अब आप कहेंगे कि ये ईसा पूर्व छठी शताब्दी कहेंगे किसको? देखिए, इतिहास के अंदर में समय का निर्धारण करने के लिए एक आधार बनाया जाता है, कोई ना कोई आधार से ही हम लोग समय का निर्धारण करेंगे। तो उसके लिए एक कैलेंडर चलाया जाता है जो भारत में भी चलता है और विश्व के अधिकांश जगहों पे चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी को जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं या ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, भारत में भी चलता है वो। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि एक धर्म गुरु हुए थे ईसा मसीह, ईसाइयों के धर्म गुरु थे वो, ईसाइयों को अच्छे राह दिखाया उन्होंने। उनके जन्म जब हुआ उनके जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हो गई विश्व में उसको कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी उनका नाम था ईसा और उससे पहले घटित हो गए तो उसको ईसा पूर्व कहेंगे। अंग्रेजी में उसी को कहते हैं बीसी, यानी कि उनको कहेंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हुई ईसा मसीह इनके पहले जो भी घटनाएं घटित हुई उसको कहते हैं बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसलिए बीसी। हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व, शॉर्ट में लिख देते हैं ईसा पूर्व। और जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म, एक जन्म का एक आधार मान लिया गया है, हो सकता है वो काल्पनिक ही हो, उसके बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है ईसा मसीह के अवतरण होने के बाद, तो उसको कहते हैं एडी, इसको कहेंगे एडी, एन्नो डोमिनी, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी सन। तो इसको आप समझ गए हैं, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, तो इसको क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे ईसा मसीह का जन्म हुआ 563 BC में, और मृत्यु भी तो आपको पता ही है कि ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले ही हो गया, तो 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु का एक समय है 483 BC, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो ईसा मसीह से के जन्म से 566 साल पहले होता है और उनकी मृत्यु ईसा मसीह के मृत्यु से ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले हो जाता है। तो ये आप समझ गए हैं। अब आप समझिए शताब्दी किसको कहते हैं, अभी तो हम बात करेंगे ईसा पूर्व छठी शताब्दी का, वो शताब्दी तो बहुत महत्वपूर्ण है न केवल इंडिया के लिए बल्कि विश्व के लिए भी। तो पहले हम शताब्दी देखते हैं फिर वो देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो शताब्दी को देखिए, शताब्दी को कैसे देखेंगे, मान लेते हैं 0 ईसा मसीह वाला है, यहां से लेके 100 साल जिसको होता है उसको बोलते हैं शताब्दी, 100 साल को शताब्दी बोलते हैं, 10 साल को दशक बोलते हैं, तो ये हो गया 100। उसके बाद मान लेते हैं फिर यहाँ पे 200 वर्ष हो गया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं 300 वर्ष हो गया, तो यहाँ से लेके 0 से लेके 100 के बीच में आया इसको बोलेंगे पहली शताब्दी, है ना, इसको पहली। 100 से 200 के बीच में है इसको बोलेंगे दूसरी शताब्दी, 200 से 300 के बीच में है इसको कहेंगे तीसरी शताब्दी,
और जीरो से पहले जो घटना घटित हो गई, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ 100 है, तो इसको बोलेंगे पहली शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। उसी तरह से 200 है 200 साल पहले, तो उसको बोलेंगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। हम लोग बात करें छठी शताब्दी ईसा पूर्व का। अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, जबकि अभी क्या चल रहा है 2022 में हम लोग हैं अभी। तो 2001 से शुरू हुआ था, 2001, 2002, 2003 ऐसे 2022 में चल रहा है, 2023 होगा, 2024 होगा, 2099 होगा, है ना, उसके बाद 2100 हो जाएगा, 2000 के बाद तो 2100 होगा, 100 वर्ष के बाद, तब हम लोग 22वीं सदी में चले जाएंगे। अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो इस चीज़ को आप समझे हुए रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है इतिहास में। तो चलिए इसको आप समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास को मोटा मोटी कितने वर्गों में बांटा गया है। आप देखेंगे कि एक सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में एक पूरा का पूरा एक सभ्यता विकसित था भारत के अंदर में ही, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, चन्हुद्रो हो, कालीबंगा हो, धौलावीरा हो, ये सब बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। दैमाबाद से लेकर के आप देखेंगे कि आलमगीरपुर तक और सुतकांगे डोर से मांडा तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत के अंदर में। उसका पीरियड हम लोग जनरली मानते हैं 2350 BC से 1750 BC, इसको कार्बन डेटिंग के आधार पर भी सही साबित किया गया है। उस समय के लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन कार्बन डेटिंग से उस समय के डेट का पता चलता है, बहुत सारे वस्तुओं का वो देखा जाता है कार्बन डेटिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि लिखित प्रमाण भी मिलना शुरू होता है, जैसे एक है वैदिक काल, ये तो हो गया बहुत पुराना सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल, एक है वैदिक काल। आप देखेंगे वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं भारतीय इतिहासकार, एक है ऋग्वैदिक काल। आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में रखा जाता है, 1000 बीसी, और उसके बाद वाला जो काल है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसमें देखेंगे कि ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जो तीन वेद है उसकी रचना होती है, पुराणों की रचना होती है, उपनिषदों की रचना होती है, बहुत सारे ग्रंथ है उनकी रचना होती है। और तो उत्तर वैदिक का जो काल है वो है यही से 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। हम जो बात कर रहे हैं 600 बीसी और 700 बीसी के आसपास वाला जो घटना घटित हुई थी उस समय का, उसकी बात कर रहे हैं। तो 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 540 बीसी में महावीर का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि वह जो काल है वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। उसी समय बड़े बड़े महाजनपद का उदय होता है, राजनीतिक इकाई बनता है बड़ा बड़ा, कहने का मतलब है बड़े बड़े शहरों का विकास होता है उस समय। छोटे छोटे जो शहर होते हैं, जो एक गांव होता है वही तो शहर डेवलप होता है ना बाद में चल के, गांव होता है वहां पे कुछ व्यापारिक वस्तुएं धीरे धीरे वहां पे लाई जाती है, व्यापार किया जाता है, वहां से बेचा जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ वहां जुटने लगती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसी का एक व्यवसायीकरण होने लगता है। धीरे धीरे वही क्षेत्र जो है बाद में गाँव से वह शहर बन जाता है, शहर के बाद वो और भी महानगर बन जाता है ना, उसके बाद और भी ऊपर मेगालोपोलिस बन जाता है आजकल के शहर जो है। उस समय जो है जन थे जनपद बने और जनपद से महाजनपद बन गए। तो महाजनपद जो है उसी समय विकसित होता है। 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा है। अब 16 महाजनपद में देखेंगे कि एक महाजनपद जो है जिसका नाम है मगध सबसे शक्तिशाली बाद में साबित हो जाता है, और वह केंद्रीयकृत सत्ता का निर्माण करता है और अगल बगल के क्षेत्रों को महाजनपदों को जीत करके और अपना क्षेत्र का विस्तार करके भारत के अंदर में एक विशाल प्रभुसत्ता संपन्न एक राज्य का निर्माण हो जाता है। उस समय देखेंगे ये घटना घटित हुई, शहर का विकास हुआ। अब शहर का विकास होगा तो शहर तो बहुत सारे कार्यों को करते हैं ना, वो मल्टीफंक्शनल होते हैं। गांव जो होता है वो देखेंगे ज़्यादातर कृषि कार्य कर रहा है, लेकिन शहर देखिएगा व्यवसाय वाला काम ज़्यादा करेगा, वहाँ शिल्पी वगैरह होंगे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होगा, वहाँ पर पॉटरी वगैरह बनाए जाएंगे, वहाँ पर कृषि वस्तुएँ बेची जाएगी, फूड प्रोसेसिंग का काम हो सकता है उस समय, है ना, उस समय व्यापार का भी एक केंद्र डेवलप होगा। तो शहर की तुलना जो है गांव से अगर करेंगे तो गांव से तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा
विकसित होता है और ज़्यादा आवागमन होता है, वहाँ ज़्यादा वहाँ चहल पहल होती रहती है ना। तो शहर में ही राजाओं का भी विकास होता है, सैनिकों का विकास होता है, धीरे धीरे लेखक वगैरह भी वहीं होते हैं, शिल्पी वहीं होते हैं, कारीगर वहीं होते हैं, दार्शनिक वहीं पैदा होते हैं, ग्रंथें लिखी जाती है, किताबें लिखी जाती है, तो शहर के विकास होने से ये सब होता है। बट शहर का विकास 600 BC में या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था लोहा का आविष्कार हो जाना। आप देखेंगे कि वैदिक काल में लोहा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि लोहा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगता है। और उसी समय में जब लोहा का प्रयोग होता है तो उससे बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं उस समय लड़ने वगैरह के लिए। आप देखेंगे कि कृषि कार्य में भी लोहा का प्रयोग होता है, जिससे हल को जोतना बहुत आसान हो जाता है, पेड़ों को साफ करके कृषि करना उस पर आसान हो जाता है, क्योंकि लोहा जो होता है वो बड़े बड़े वृक्षों को साफ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखेंगे कि ये घटनाएं घटित कहाँ होती है, ये मध्य गंगा के मैदान में और निचले गंगा के मैदान में होता है। अब देखेंगे भारत के नक्शा आपने देखा होगा, जिसमें आपने ये देखा होगा कि एक गंगा का मैदान आपको इसमें लगा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा गंगा का मैदान है ये, तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये तो ऊपरी गंगा का मैदान है, ये बीच वाला मध्य गंगा का मैदान है, नीचे वाला निचली गंगा का मैदान है। तो ये मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, इसी में आप देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, इसी में कृषि का विकास जबरदस्त तरीके से होगा, इस क्षेत्र में शहरों का विकास भी बहुत ज़बरदस्त होगा, गंगा और यमुना वाला क्षेत्र भी में भी शहरों का विकास होगा। और आप देखेंगे कि इसी में धार्मिक आंदोलन चलाए जाएंगे, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी लोगों के सामने, उसका समाधान उस समय के तत्कालिक धर्म नहीं कर रहे थे। जैसे वैदिक धर्म जो चल रहा था, जो बाद में उत्तर वैदिक समय आ जाता है, तो देखेंगे कि उस समय जो धर्म प्रचलन में था, जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो पुरोहितों का वर्चस्व था, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जो यज्ञ कराते थे, मंत्रोच्चार कराते थे, पूजा पाठ में मुख्यतः रहते थे और साथ ही साथ सलाह भी देते थे लोगों को, वह एक समाज में समझ लीजिए कि एक बहुत ही प्रभुत्वशाली या वर्चस्वशाली और एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग बन चुके थे, उनके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, उनके खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाना शुरू किया, क्योंकि ये लोग जो थे वो उस समय के तत्कालिक जो परिस्थिति की आवश्यकता थी उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। और लोगों के ज़रूरतें अलग अलग थी, जैसे व्यापारिक वर्ग का ज़रूरत व्यापार करना था, और उस समय ये जो कर्म कांड चल रहे थे इसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जा रही थी। तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही थी उसको तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसी पीरियड को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण का काल क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण है, आपको अभी हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में नगर था, और बाद में देखेंगे कि वैदिक काल में जो खास करके ऋग्वैदिक काल है उसमें आपको शहर मिलेगा नहीं, वो ग्रामीण सभ्यता है, पहले के लोग शहर बसाए हुए हैं, वह डेवलप है, वह व्यापार कर रहे हैं, वह काफ़ी उन्नतिशील है, वह शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं, बहुत संपन्न है, ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाद के जो काल है उसमें शहर ही नहीं है, गांव है, लोग ग्रामीण सभ्यता में जीवन जी रहे हैं। उस समय आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा भी बोल रहे हैं, उस समय देखेंगे धार्मिक ग्रंथों की रचना हो रही है, लोग जो है वो आप देखेंगे जो शिक्षा वगैरह ग्रहण करने का जो वो मिलेगा, उस समय आप देखेंगे कि एक आश्रम वाली व्यवस्था पैदा हो रही है। आप देखेंगे कि शिक्षा भी सबको नहीं मिल रहा है, कुछ खास वर्गों के हाथ में, जैसे ब्राह्मण वर्ग के या क्षत्रिय वर्ग के, खास करके ब्राह्मण वर्ग ही उस पर पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण की घटनाएं जो है वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही होती है। उस समय पक्की ईंटों का आविष्कार होता है, बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं, जैसे काशी बनते हैं, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, इस तरह के शहर जो है वह डेवलप करने लगता है, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी शहर के विकास होने वाला आ चुका था, व्यापार की उन्नति हुआ था, सिक्कों का आविष्कार हो गया था, है ना। उस समय देखेंगे कि बहुत सारी जटिलताएं जो है भाषा के क्षेत्र में वो कम, ज़्यादातर लोग पाली बोल रहे हैं, प्रकृत बोल रहे हैं, संस्कृत बहुत ही कम लोग की भाषा है, वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की भाषा है, उसमें वेद पुराण लिखे जा रहे हैं, लेकिन उस भाषा का प्रयोग जनमानव कर नहीं रहा है, जनमानस का भाषा वो कभी बन ही नहीं पा रहा है। तो इससे एक समस्या पैदा हो जा रही थी, लेकिन जब मनुष्य ने सिंपल
चीज़ों की ओर बढ़ना शुरू किया, जब प्रकृत और पाली भाषा का प्रयोग करना शुरू हुआ, उनका जीवन में आसान हो गया, उनको चीज़ें समझने में आने लगी, वो तर्क करने लगे, अंधविश्वास को छोड़ने लग गए। अब आविष्कार भी तो हो रहा है, धीरे धीरे वैज्ञानिकता का भी तो विकास हो रहा है, तर्कशीलता तो बढ़ रही है ना। और ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं उस काल में, महावीर और गौतम बुद्ध जैसे लोग, जिन्होंने लोगों के अंदर में तर्क भरा, लोगों को सोचने पर मजबूर किया और कहा कि तुम अंधविश्वासी मत बनो, तर्क करो, चीज़ों को तुम वैसे है वैसे मत स्वीकार कर लो, जैसा है वैसा स्वीकार मत करो, उसमें तर्क करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, तभी तुम मनुष्य कहलाने के लायक होगे, तभी शांति व्यवस्था स्थापित होगी और हमारा प्रगति होगा, ये तभी समानता भी स्थापित होगी। ये हमारे भलाई के लिए ही था, मानववाद का उदय उन्हीं की आइडियोलॉजी से होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उस समय 60 नगर का विकास हुआ, खास करके गंगा यमुना वाला क्षेत्र में। तो इसको आप समझ गए हैं कि उस समय को हम लोग ईसा पूर्व छठी शताब्दी वाला काल भी कहते हैं। उस समय धार्मिक सुधार आंदोलन का काल है, इसमें बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार होता है, तो हम बौद्ध काल भी उसको कह देते हैं। हम लोग उस काल को छठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला शताब्दी को महाजनपद काल भी कह देते हैं। हम लोग उस समय के द्वितीय नगरीकरण का काल भी उसको कहते हैं। तो इसको आप समझ गए। अब देखिए कारण क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों पैदा हो गए, या फिर उस समय जो 62 अलग अलग प्रकार के धार्मिक संप्रदाय थे वह क्यों पैदा हो गए, उसके पीछे का कहानी सुनिए। देखिए उसका सबसे मेन कारण है जो ऊपर हमने लिखा है, एक है वर्ण व्यवस्था की जटिलता और एक है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए क्या होता है, ये वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि वैदिक काल में ऋग्वेद में ही ये लिखा गया था कि सभी मनुष्यों को सभी जीव जंतुओं के रचना करने वाले जो है वह ईश्वर है। ईश्वर में भी कौन, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने पूरे विश्व को बनाया, ब्रह्मा ने मानव की रचना की, ब्रह्मा ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। तो ब्रह्मा ने मानव को अलग अलग डिफरेंस वे में पैदा किया, मतलब सभी मानव को एक साथ पैदा नहीं किया, सारे मानव को समान रूप से पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि एक वर्ण है जो पढ़ाने लिखाने का काम करता है, जो पूजा पाठ करने का काम करता है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वह ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र से पैदा हुआ, ज़्यादा विशेषाधिकार संपन्न होगा, ज़्यादा शुद्ध होगा, ज़्यादा पवित्र होगा, वो उन्होंने कहा। और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा करवाया उन्होंने, वैश्य से कहा कि वैश्य जो है ब्रह्मा के जंघा से पैदा हुए, शूद्र जो है जो पैर से पैदा हुए। ये ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद का काल आप जानते हैं कि 1500 BC में ऋग्वेद को लिखा गया था। और जैन अवेस्ता जो है उस समय आप देखेंगे कि जैन अवेस्ता जो कि ईरान और आप पर्सिया के क्षेत्र में चल रहा है, उसकी अवधि 1400 BC के आसपास मानी जाती है। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि जैन अवेस्ता का कॉपी है ऋग्वेद, कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद का कॉपी है जैन अवेस्ता, तो ऐसे दावा किया जाता है। वैसे ये कहा जाता है कि जो आर्य लोग हैं जो भारत में आते हैं, वो आर्य लोग कहाँ से आए, वो मिडिल एशिया से चल के आए थे। ये भाषा के आधार पर भी, भाषा विज्ञान के आधार पर भी, इंडो यूरोपियन भाषा के आधार पर, और साथ ही साथ DNA के आधार पर भी ये साबित होता है। DNA जो है इसका एक DNA होता है, उसके आधार पर भी ये साबित होता है कि भारत में जो हरियाणा के क्षेत्र में या पाकिस्तान वाला पंजाब के एरिया में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया में जो बसे थे वो आर्य लोग थे। और आर्य लोग जो है यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ भी तो कोई ना कोई आदमी रहता था ना, एक मानव की प्रजाति रहता था जिसको द्रविड़ कहते हैं। और द्रविड़ों को ही विस्थापित करके उनको अपने जगह से उनको हटा करके वो इस जगह पे बस जाते हैं। और चूंकि वो अपने आप को आर्य कहते हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, इसलिए इस जगह को भी आर्यावर्त कहने लगते हैं। और उनका जो बसाव होता है यही पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र होता है, लेकिन गंगा के दक्षिण में आप देखेंगे कि यहीं पे एक जगह है जिसको महाजनपद काल में मगध कहा गया है। और मगध को कहा जाता है कि उसमें आर्य नहीं है, उसमें गैर आर्य लोग हैं, बहुत प्रगतिशील लोग होते हैं मगध वाले, वो क्रांति करते हैं, वहाँ विद्रोह पैदा होता है। वो आप देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये लोग नफरत करते हैं मगध वाले से, उनको अनार्य बोलते हैं, जबकि मगध वाले इनको गैर द्रविड़ कहेंगे, ऐसा द्रविड़ गैर द्रविड़ तो कह ही सकते हैं, तो वो कहते हैं। और मगध बहुत संपन्न है, उससे इनको चिढ़ है, तो इनको कह देता है, ऋग्वेद में भी लिख दिया और कई जगह भी ऐसी बातें करते हैं ये लोग कि मगध में जो है वो जो मरेगा वो पाप का भागी बनता है, वहाँ पे मरना सही बात नहीं है। तो मगध के बारे में इस तरह से चीज़ें हैं, चूँकि मगध में जो है ना ये बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचलन था, तो चूंकि ये लोग तो वैदिक को मानने वाले थे ना, इसीलिए मगध वाले को इन्होंने बड़ा बुरा भला कहा था।
तो खैर वो तो अलग बात है, उस पर तो हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए, मिडिल एशिया से आ गए, मध्य एशिया से चल करके आ गए, कहाँ भारत के अंदर में पश्चिमोत्तर एरिया में बस के, और यहाँ पे आ गए तो इंडो यूरोपियन भाषा भी चलाया, संस्कृत भाषा भी लेके आए, संस्कृत चलाया इन्होंने, लेकिन संस्कृत आमजन की भाषा बन नहीं पाई, ये लोग सिर्फ बोलते थे, उसमें ग्रंथों की रचना करते थे, यहाँ आम लोग जो है वो संस्कृत ना समझती थी ना बोलती थी, न उसका कोई न उनके साथ जुड़ा हुआ कोई इतिहास था। वो धीरे धीरे संस्कृत भाषा को आरोपित करते हैं लेकिन आम जन की भाषा नहीं बन पाती है, वो प्राकृत और पाली बोलते रहते हैं और इसके कारण जो है इनके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। बाद में यही आर्य लोग जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों को बंदी बना लेते हैं, उनको दास बना लेते हैं, है ना, उनको दास बनाते हैं, और जो इनके खिलाफ लड़ता है, जो इनके इनको शत्रु समझता है, उसको उसके साथ तो ये काफ़ी जो है कठोरता से पेश आते हैं, उनको तो गुलाम भी बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने यहाँ के जो गुलाम है, जो दास है, शायद उसी को उन्होंने शूद्र बनाया, बाद में उनको कैटेगराइज करके शूद्र के रूप में रखा, और अपने जो है वह जो श्रेष्ठ कहते थे, जो लिखने पढ़ने में वो ब्राह्मण है, उसी में एक क्षत्रिय कैटेगरी बनाया, एक वैश्य कैटेगरी बनाया। ये तीन कैटेगरी इन्होंने ऋग्वेद में लिख करके बनाया, लेकिन ऋग्वेद में जो बनाया उस समय शायद उसकी ज़रूरत रही हो, और एक समाज को संतुलित विकास के लिए जरूरी रहा हो, क्योंकि समाज हमेशा स्तरीकरण से गुजरता रहा है, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे तो समाज में विभाजन होते ही रहा है। अगर आप बेबीलोन की सभ्यता में देखें तब, चाहे भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखेंगे तब भी वहाँ वर्ण तो नहीं मिलेगा, लेकिन श्रमिकों का एक स्तरीकरण आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जिसकी शुरुआत ऋग्वेद से होती है, वैदिक काल में ऋग्वेद से, और बाद में वह उत्तर वैदिक काल में बहुत ही कठोर हो जाता है। ऋग्वेदिक काल में वह कर्म के आधार पर होता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो जाता है। कर्म के आधार पर मतलब कि जो पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। पुरोहित का काम करे, मंत्र मंत्र पढ़ करके पूजा वूजा करे, शिक्षण का काम करे, सब पुरोहित बन जाएंगे, सब ब्राह्मण कहलाएंगे, कोई बात नहीं है, ये ऋग्वेदिक काल में है। क्षत्रिय जो युद्ध करेंगे, जो शासन करेंगे, जो रक्षा करेंगे किसी का, निर्बल को नहीं सताएंगे, है ना, ऐसे लोग जो है वो क्षत्रिय कहलाएंगे। ये ऋग्वेद में लिखा, कोई भी क्षत्रिय बन सकता था, जिसके अंदर में गुण है युद्ध करने का, शासन करने का, या जिस किसी की रक्षा करने का, तो ये क्षत्रिय कहलाने लगते थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में पहले जन्म हुआ हो। उस समय तो था ही नहीं, तो कर्म के आधार पे था। उसी तरह से वैश्य लोग जो पशुपालन करेंगे, खेती करेंगे, है ना, व्यापार करेंगे, वो लोग स्वेच्छा से उस व्यवसाय को अपना लेंगे, तो जो लोग अपनाएंगे वो अपना वैश्य कहलाएंगे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। शूद्र, शूद्र वो लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, लोभी है, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो बहुत ही छोटे लेवल का काम कर रहे हैं, मोरी साफ कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, मरे जानवरों को उठा रहे हैं, है ना, ऐसे लोग जो है मजदूर है, यहाँ तक कि शिल्पी, यहाँ तक कि घरों के में काम करने वाले नौकर, ये इन लोगों को शूद्र कहा गया, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उन्होंने शूद्र कर दिया। तो वो शूद्र उसको कहा जो उस तरह के काम को करेंगे, लेकिन उस समय शायद उतनी समस्याएं नहीं आई, लेकिन बाद में जब इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया, क्योंकि इनका विशेषाधिकार खत्म हो रहा था, ब्राह्मणों को लगा कि हमको तो सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है समाज में, हम क्यों अपना विशेषाधिकार खोएंगे, तो हम अब जो है कर्म के आधार पर नहीं होके जन्म के आधार पर हम बना लेते हैं, और जन्म के आधार पर तब से शुरू होता है, और जन्म के आधार पर जब शुरू होता है तभी असली समस्या पैदा होती है। आप इस त्रिभुज को देख के पता लग रहा होगा कि सबसे कम संख्या है ब्राह्मणों की, उससे ज़्यादा संख्या क्षत्रिय, उससे ज़्यादा वैश्य, उससे ज़्यादा शूद्र, यानी शूद्रों की संख्या सबसे ज़्यादा, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा उसको अधिकार सबसे कम, और जिसकी संख्या कम है उसको सबसे ज़्यादा अधिकार है। तो निश्चित रूप से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों में ही इनको विशेषाधिकार को लेकर के मन में कहीं ना कहीं जरूर विद्रोह पनपेगा, कहीं ना कहीं जरूर विद्वेष पैदा होगा। तो आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो मुख्यतः क्या करते थे, पुरोहित का काम करते थे, शिक्षण का काम करते थे, वो दान लेने का काम करते थे, कर नहीं देते थे, कर इनको इनसे नहीं लेना है, कर लेंगे पाप लगेगा, दंड के भागी नहीं, इनको क्या है ना कि इतना विशेष अधिकार मिला हुआ था कि छोटा मोटा अपराध करने पर इनको दंड मिलता ही नहीं था। हाँ, बड़ा अपराध करे तो दंड मिलेगा, लेकिन इनकी तुलना में कम मिलेगा, वैश्य और शूद्र, शूद्र कर दे वही दंड किसी की हत्या करने का, तो इनको तो भयानक कठोर सजा मिलेगा, इनको उतना सजा नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण तो एक बिल्कुल ही एकदम से विशेषाधिकार वर्ण बन गए, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, अपने आप को पूजवाते थे, सबसे प्रणाम करवाते थे अपने आप को, लेकिन उस चीज़ को क्षत्रिय भी देखते थे, क्षत्रियों को इनसे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि ये युद्ध करते थे, शासन करते थे, कर का संग्रह करते थे,
और मुख्यतः जो है ये लोग कहते थे कि चूंकि हम शासन कर रहे हैं, हम राजा बन रहे हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है, मरते हम है, तो क्यों ना हम श्रेष्ठ है भैया, हम आपसे भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी हम श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता वाली बात इसके अंदर में आने लगी। आप देखेंगे कि यही श्रेष्ठता वाली बात जो है बाद में चल के धार्मिक आंदोलन बन जाएगा और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रवर्तक है उनको कहा जाता है कि क्षत्रिय वर्ण से ही है, चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर हो, क्षत्रिय वर्ण से है। और उन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक आंदोलन चला करके कहा कि क्षत्रिय ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो कौन से वर्ण को मानते थे या क्या था, वो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा गया कि क्षत्रिय थे। खैर इस पर तो आगे रिसर्च होगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बातें, क्योंकि कभी भी वर्ण व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते थे, ये न महावीर मानते थे न बौद्ध के जो गौतम बुद्ध है वो मानते थे। महावीर से भी ज़्यादा कठोर रूप से वो नहीं मानते थे बौद्ध वाले, वो एकदम जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद एकदम उसके खिलाफ थे। ये आप देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध है वह ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, आत्मा को भी नहीं मानते हैं, वो मानववाद के पुरोधा है, ईश्वरवाद के पुरोधा नहीं है। वो कहते हैं मानवों को इतना अधिकार मिलना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी संतुलित रूप से जी सके, उसको अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। अप दीपो भवा, अपना दीपक खुद बन जाओ, तुमको खुद तर्क करना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए, तभी किसी को मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे लिख दिया हो, कोई मान लिया हो, वो तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी तो कर सकता है, वो तुम्हें बेवकूफ़ भी तो बना रहा होगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा तर्क करो, और तर्कशीलता लोगों में भरा। अब आप देखेंगे कि वैश्य लोग क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, व्यापार करते थे, कर असली रूप से यही लोग देते थे क्योंकि व्यापार यही करते थे। इनको द्विज कहा गया, द्विज का मतलब होता है कि इनको भी अधिकार मिला, जैसे जो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं उसमें से बहुत सारे संस्कार वैश्य भी कर सकते थे, जनेऊ पहन सकते थे, और इनको भी थोड़ा सा अधिकार मिला था। शूद्र को तो बिल्कुल भी अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इनको वेद उद पढ़ने का अधिकार मिला था, लेकिन फिर भी ये भी नाखुश थे। नाखुश क्यों थे? इसका कारण ये था कि चूंकि कर ये देते थे, व्यापार ये देते थे, और उस समय आप देखेंगे कि इनकी जो स्थिति थी वो तीसरे नंबर पर डाल दिया गया। इनके साथ भी उचित व्यवहार नहीं होता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय इतने श्रेष्ठ अपने आप को समझते थे कि वैश्य तीसरा नंबर पे आ गए, तो वैश्य के मन में भी तो कोई ना कोई बात लेकर के परेशानी होगी। साथ ही आप देखेंगे कि इनको धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया कि सूद नहीं लेना है, सूद पर अगर आप लेते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपके लिए दिक्कत होगा। और व्यापार बिना सूद का, आजकल के व्यापार देखते हैं ना, बिना कर्जा लिए हो ही नहीं सकता है। आप अंबानी हो या अडानी हो, सब बैंक से कर्जा लेते हैं और उसके आधार पर अपना बिजनेस करते हैं। उस समय भी कर्जा लेना जरूरी था, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ही लिख दिया गया, खास करके वैदिक ग्रंथ में, कर्ज लेना गलत है या समुद्र में यात्रा करना भी पाप का भागी बनता है, तो इस तरह से इनका व्यापार नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ उस समय यज्ञों में बलि देने की प्रथा थी, उस समय बैलों से मुख्यतः कृषि किया जा रहा था और बैलों को यज्ञ में ये लोग उसको जो है पशु बलि दे दिया करता था सांडों को। इसी तरह से आप देखेंगे कि बाद में तो गाय को भी पवित्र माना गया, लेकिन पहले तो गाय का भी बलि दे दिया जाता था, घोड़ा का भी दे दिया जा रहा है। अब व्यापार करने में तो दिक्कत होगा ना, कृषि करने में अगर लगातार जानवरों को बलि दिया जाए तो कृषि कार्य कैसे होगा? लगातार बलि देंगे तो उसकी संख्या घट जाएगी, और जो कम संख्या होगी उसको ज़्यादा कीमत पर लोग बेचेंगे, और व्यापारी लोग जब खरीदेंगे उनको घाटा लगेगा ना, कृषि करने में तो दिक्कत होगा। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था पनपे जो कम से कम अहिंसक हो, यानी कि हिंसा नहीं करे। इसीलिए गौतम बुद्ध हो या जैन धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर देते हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। जैनी तो इतना अहिंसा पर जोर देते हैं कि खेती भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें भी कीड़ा मकोड़ा मरता है ना। और देखेंगे कि एक पंख लिए रहते हैं वो मोर का, उससे देखते हैं कि जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वो बहारते भी रहते हैं, खास करके भिक्षु लोग जो होते हैं, वो जैन भिक्षु हो या बौद्ध भिक्षु हो, ये काफ़ी शांतिपूर्वक और कहते हैं कि अहिंसक होना चाहिए। तो देखते हैं कि उन्होंने वो ऑप्शन तैयार किया जो वैदिक धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए लोग आकर्षित भी हो गए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ। और वैश्यों ने तो जम करके उन लोगों का टैक्स दिया, इनको जम के मदद किया, कहा कि बहुत बढ़िया, हमारे व्यापार करने में ये लोग बहुत ही मदद करेंगे। तो इन लोगों ने पूरी मदद की, इसीलिए ये धर्म भी बहुत फूला फला और बहुत आगे निकल गया था, और ब्राह्मण धर्म की अति क्षति हो गई। उस समय ब्राह्मण धर्म मानने वालों की संख्या गिर करके मुट्ठी भर हो गई थी। वो तो धीरे धीरे फिर इन लोगों ने अपने आप में सुधार किया, तो धीरे धीरे फिर ये पनपे, फिर आ गए। बाद में बहुत आलोचनाएँ किया, यहाँ तक कि षड्यंत्र भी किया गया और बहुत सारे खेल खेले गए, तब जाकर के
फिर से ब्राह्मण धर्म अपने अस्तित्व में आया, लगा कि उस समय इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और शूद्र बेचारे, शूद्र के तो पास कोई था ही नहीं, एक गृह माने घर के नौकर होते थे, कृषि के अंदर में जो कृषि करते थे वो कृषि दास होते थे, शिल्पी मजदूर, इनको लोभी और चोर कहा गया कि ये स्वभाव से ही चोर होते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन उस समय इसको इन लोगों ने माना। तो शूद्र के अंदर में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी वैदिक धर्म को लेकर के, इसीलिए तो जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, खास करके बौद्ध धर्म, धराधर ये लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं था, किसी भी वर्ण के लोग, किसी भी जाति के लोग वहाँ पे उस चीज़ को अपना सकते थे। बाद में तो महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता था, तो उत्तर वैदिक काल में खास करके तो महिलाओं ने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना शुरू किया था। जैन धर्म में तो थोड़ा सा ज़्यादा कठोरता थी, लेकिन बौद्ध धर्म में देखिएगा कि महिलाओं का प्रवेश होने लगता है, हालांकि बाद में बौद्ध धर्म के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है, लेकिन उसमें वो लोग जाते हैं। तो इस कैटेगरी को आप समझ चुके हैं कि यह कैटेगरी जो है वर्ण व्यवस्था की जटिलता जो है कैसे एक नए धर्म के उदय का कारण बन जाता है। अब देखिए, पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास। इस समय क्या हुआ कि लोहा का आविष्कार हो गया, लोहा कठोर होता है, पहले तो तांबा से, हड्डी से, और देखेंगे कि इस तरह से चीज़ों से, पत्थरों से कृषि कार्य होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोहा का आविष्कार होने से बड़े बड़े जंगल को साफ करना आसान हो गया। अब देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में यमुना और गंगा का पूरा जो मैदान है, इसमें घने घने जंगल हुआ करते थे, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है इसके क्षेत्र में देखेंगे तो, भूगोल की दृष्टि से तो भूगोल में देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ वर्षा भी ठीक ठाक हो रहा है, यहाँ अगर कृषि किया जाए तो बहुत फायदेमंद होता है, बहुत सारी नदियाँ भी बहती है, सिंचाई की सुविधा भी है। तो इसके कारण कृषि का विकास बहुत तगड़ा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि जितने कृषि कृषक लोग जितना उपजाते थे, इतना ज़्यादा उपजा लेते थे कि उसको बेच करके उससे लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, और बेचेंगे तो कौन खाएगा, ये लोग तो कृषि कर नहीं रहे हैं, ब्राह्मण लोग न क्षत्रिय लोग, तो इन लोगों को भी ये अन्न उपजा करके देने में पूरी तरह सक्षम हो गए। तो आप देखेंगे कि क्षत्रियों का भी विकास होगा और ब्राह्मण लोगों का, तो क्षत्रिय लोग का जो विकास होता है तो इसी से तो नए नए नगर बन जाते हैं, बड़े बड़े शहर का विकास हो जाता है, इसी से दार्शनिक लोग पैदा हो जाते हैं, लेखक लोग पैदा हो जाते हैं। लेखक और दार्शनिक क्या होता है, लेखक दार्शनिक थोड़ी कृषि करता है, वो तो किसान के उपजाए हुए अन्न पर ही तो पलता है, उनका पेट भरता है तभी तो लिख पाते हैं। अगर उनको उनका पेट उनको कह दिया जाए कृषि करो तो इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है खेती करने में, लिखेंगे कब। तो लेखन और इतिहास लेखन एक ऐसी क्रिया होती है जो खास करके वो लोग करते हैं जिनका पेट भरा होता है, और कृषि करने वाले का तो हालत कभी नहीं सुधरा। यहाँ तो अब देखेंगे कि सरप्लस उपजा भी ले रहे हैं, उस सरप्लस को ये लोग आते थे, क्षत्रिय लोग आकर के छीन के ले जाते थे, छीन करके ले जाते थे और उसी पर अपने सेनाओं को खड़ा करते थे और साहित्य को खड़ा करते थे, नई नई कलाकृतियाँ बनाते थे, महल बनाते थे, दीवारें खड़ा करते थे, स्थापत्यों को खड़ा करते थे, ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे। यही कृषि जो किसान है उसके उपजाए हुए अतिरिक्त उपजों पर ही ये लोग करते थे। अब देखिए, तो दूसरा कारण तो ये है भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, साथ ही साथ पशुवध, पशुवध जो हो रहा था ना आपको अभी हमने बताया था कि पशुओं की कमी हो रही थी कृषि में, खास करके बैलों वगैरह का जो बलि हो रहा था, तो ऐसा उन लोगों को चाहिए था कि जो बलि प्रथा का विरोध करता हो और अहिंसक हो। तो अब एक बाइक से तो ऐसा नहीं है कि पशु वधि को पूरा तरह रोक दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होने लगी समाज में कि लोग इसको बुरा समझने लगे कि पशु वध नहीं होना चाहिए। उस समय यज्ञों में आहुति दे दिया जाता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे पशु वध पर रोक लगा, जिससे कृषि में और विकास हुआ, और ज़्यादा सरप्लस अन्न उपजा और ज़्यादा शहरों का विकास हुआ, और ज़्यादा आइडियोलॉजी पनपा और ज़्यादा मानववाद का विकास हुआ, लोग ईश्वर से ज़्यादा मानव को वैल्यू देने लग गए, और उन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं करता है, सब मानव ही करते हैं, इसलिए मानव को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। उसके बाद है नगरों की स्थापना, नगरों की स्थापना बता ही दिए कि नगरों की स्थापना कैसे हुआ, कृषि का विकास हुआ तो नगरों का भी विकास होना शुरू हुआ, बड़े बड़े नगर बन गए, श्रावस्ती, कोसी, कौसाम्बी, आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली में तो देखेंगे पूरा का गणराज्य ही पैदा हो गया, लिच्छवी गणराज्य, और वहीं पे पैदा हुए महावीर साहब कुंडग्राम में, तो देखेंगे कि वहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ तो संघ का चुनाव होता था, वहाँ जो परिषदें होती थी वह शासन करती थी, एक तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बना हुआ था। दुनिया का पहला लोकतंत्र भारत में पैदा हुआ, वह भी बिहार के अंदर में वैशाली डिस्ट्रिक्ट अभी वर्तमान में है, उसी को बसाठ वगैरह भी कहा गया था, अभी इतिहासकार उसको खोजते हैं, यही है। वहीं पे सबसे पहले
लोकतंत्र पनपा था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी जो गौतम बुद्ध के जो पिता है जो सुद्धोधन है और जो इनके पिता है वो भी आप देखेंगे कि गणराज्य के वो मुखिया होते हैं, गणराज्य। वहाँ भी आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस समय राजतंत्र भी था और कुछ क्षेत्रों में लोकतंत्र भी चल रहा था। ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, इसीलिए लोग जो है ना एक दूसरे से मिल के रहते थे, जाति भेदभाव उस तरह का नहीं था, वर्ण व्यवस्था को वो लोग नहीं मानते थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो लोग रहते थे, तर्कशील थे वो लोग, बुद्धिमान थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे, अपने आप को संपन्न बनाए हुए थे। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये होगा। साथ ही सिक्के का प्रचलन भी शुरू हुआ, सोना का सिक्का जिसको आहत वगैरह बोलते हैं, पंचमार्क बोलते हैं, वैसे सोने का सिक्का भी प्रचलन में आया। और जब सिक्का प्रचलन में आया तो व्यापार करना और आसान हो गया, पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था ना, तो सिक्का जो है आने से व्यापार में और उन्नति हो जाता है। वस्तु से वस्तु का विनिमय करना बहुत कठिन होता है, कैसे वस्तु का वस्तु आप करिएगा, आपको चावल लेना है तो आप गेहूं दीजिए, गेहूं लेना है चावल, तो ये बहुत मुश्किल होना, बहुत सारा माल लेके जाना पड़ता था मार्केट में, बहुत सारा लेके आइए। अब सिक्का है, बहुत आसान हो गया, जेब में लेकर जाइए और झोरा भर के लेके आइए वाली कॉन्सेप्ट आ गया, तो बड़ी आसानी से व्यापार का विकास हुआ। तो व्यापार का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन और चलेगा, लोगों की आवश्यकताएँ बदल गई, लोगों की ज़रूरतें बदल गई है, तो उसके अनुसार चीज़ों को भी बदलना है। तो वैदिक जो साहित्य थे वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए नए नए धर्म का उत्पत्ति हो जाता है। वैश्यों का महत्व समाज में बढ़ गया क्योंकि यही टैक्स पेयर थे, यही टैक्स देते थे, पशुपालन कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, तो कृषि पर तो आप पल रहे हैं, पशुपालन का दूध वगैरह और मांस मछली खा रहे हैं, तो वैश्यों का तो ऐसे ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा वर्चस्व, क्योंकि यही है जो उत्पादक वर्ग है, यही अपना काम नहीं करेगा तो सबके सब धराशायी हो जाएगा, शहर वहर सब गायब हो जाएगा, तो इसीलिए वैश्यों का भी महत्व बढ़ गया, इनके पास पैसा बढ़ा, तो इन लोगों ने बहुत ही जम करके मदद किया, किसको, बौद्ध धर्म और जैन धर्म खास करके इन लोगों को। साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष शुरू हो गया। देखिए संघर्ष, नाराज तो वैश्य भी थे, शूद्र थे, लेकिन आंदोलन इन लोगों ने खड़ा नहीं किया, क्योंकि उस समय अगर शूद्र आंदोलन खड़ा करते तो शायद उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे ही उनको सबसे निचला दर्जा में रख दिया गया था, उनके पास संसाधन भी नहीं था, क्या करेंगे बेचारे, अपना भाग्य को कोसते थे। लेकिन क्षत्रिय लोग जिनको काफ़ी अधिकार मिला हुआ था, सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण के बाद इन्हीं को अधिकार मिला हुआ था, अधिकार के ये तो राजा भी बन रहे हैं ना, और सेना भी रखे हुए हैं, शक्तिशाली है, रक्षा करने का भी काम कर रहे हैं और युद्ध करने का काम कर रहे हैं, कर संग्रह करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संपन्न है ये। अब ये संपन्न है तो आंदोलन भी तो ये करेंगे ना, और इन लोगों ने ही आंदोलन की शुरुआत कर दी, इन लोगों ने ही विद्रोह किया। और आप देखेंगे गौतम बुद्ध या महावीर क्षत्रिय है और उन लोगों ने ब्राह्मणों को और पुरोहितों का मान को नीचे करने की कोशिश किया और कहा सब बराबर है, सब बराबर होता है, कोई किसी से बड़ छोट नहीं है, यहाँ तक कि अगर बड़ा छोटा में भी देखा जाए तो इन लोगों ने कहा कि बहुत सारे मामलों में तो क्षत्रिय ब्राह्मण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, है ना, नहीं तो वर्ण व्यवस्था को माना ही नहीं। साथ ही साथ आप देखेंगे निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया, उस समय में क्या हुआ कि नए नए व्यापार जो पैदा हुए तो कुछ लोग तो काफ़ी संपन्न हो गए, बहुत पैसा वाले हो गए। अब बहुत पैसा वाला हो जाता है तो आपको पता है कि आदमी अपने दुखी से उतना दुख नहीं होता है जितना पड़ोसी के सुखी से दुखी हो जाता है। तो उस समय आप देखेंगे कुछ लोग इतना पैसा वाला हो गए कि लोगों को उससे नफरत होने लग गया, कहा कि अरे ऐसे कैसे, हम इतना गरीब है, ये देखो कितना धनिक हो गया, तो लोग एक दूसरे से नफरत भी करने, कहे कि व्यवस्था ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को कौन है जो ठीक करेगा, कौन है जो एक ऑप्शन तैयार करे, ऑप्शन दे जो कहे कि समाज में समानता होना चाहिए। तो यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये कहते हैं समाज में समानता होनी चाहिए, सब समान होना चाहिए। देखिए इन्होंने भिक्षुओं को तो एकदम स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि धन संचय नहीं करना है, आम आदमी करेगा कोई बात नहीं, आम आदमी को करने दीजिए, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को कहा कि धन का संचय नहीं करिए, उस समय चोरी वगैरह हो। अब मान लेते हैं व्यापारी लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसको चोरी कर ले रहा है, उनको कोई नैतिक पाप उसको लग ही नहीं रहा है, उसको कोई डर नहीं लग रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया कि एकदम से अस्तेय होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए किसी को भी, अपरिग्रह धन का संचय भी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से बहुत बड़ा पाप लगता है ना, दुख पहुंचता है जिसका चोरी कर लिया जाता है, तो लोगों के अंदर में भय पैदा हो गया, एक आस्था पैदा हो गई धर्म के बारे में, एक डर पैदा हुआ उनके अंदर में, तो वो चोरी भी करने से कतराते थे और उसके लिए कठोर दंड का भी विधान कर दिया गया, क्योंकि उस समय राजा महाराजा और बड़े बड़े महाजनपद पैदा होने लग गए, तो इस समस्या का जो समाधान इन लोगों ने निकालना शुरू किया। तो निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुआ, आज भी देखते हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स के
आलोचना लोग करते रहते हैं कि बहुत पैसा वाला है, यही सरकार भी चला रहा है। तो उस समय भी ये हुआ था, ऑप्शन के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनको दिया। उसी तरह से उपनिषदों का प्रभाव पड़ा इन पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे उपनिषद जो है वह कहता है सादा जीवन रहना चाहिए, आदमी को उच्च विचार होना चाहिए, ज़्यादा कर्मकांडी नहीं होना चाहिए, उनको अपने दर्शन पे ध्यान देना चाहिए, अपने सुख पे ध्यान देना चाहिए, कैसे समाज का भलाई हो उस पे ध्यान देना चाहिए, उपनिषद ये बात करता था। तो उपनिषद का प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ा, वो भी तर्कशील हो गए, वो भी तर्क करने लग गए और वह भी चीज़ों को सिंपल वे में देखना शुरू किया। वो बोले कि ज़्यादा यज्ञ, ज़्यादा कर्मकांड जो होता है ना, ये सब गलत है, ज़्यादा कर्मकांडी होना ठीक नहीं है, समाज को भलाई नहीं करता है। उस समय देखते हैं यज्ञ करना बहुत खर्चीला हो गया, कोई आम आदमी करना चाहे तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इतना ना खर्च होता था उसमें, पुरोहितों को दान देना पड़ता था, गाय को दान देना पड़ता था और जमीन जायदाद भी उनको पुरोहितों को देना पड़ता था, ये फ्री में सब ले लेते थे सिर्फ दो चार मंत्र पढ़ करके। अब आम आदमी पूजा करे तो कैसे, आम आदमी अपनी श्रद्धा अपनी आस्था कैसे प्रकट करे किसी खास जगह पे, किसी ईश्वर पे हो या किसी किसी शक्ति में हो, तो वो दिक्कत हो रहा था कर्मकांड वगैरह करने में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ऑप्शन दिया कि अगर तुमको सुखी रहना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुमको मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं होगा, तुमको मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा और अच्छा आचरण करना होगा। अष्टांगिक मार्ग बताता है, दस सील का इन लोगों ने बताया कि दस सील है, त्रिरत्न बताया कि ऐसे ऐसे आपको जीना चाहिए तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, और मरने के बाद ही नहीं बल्कि जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति आपकी हो सकती है अगर आप ऐसे आचरण करेंगे तब। और वैदिक धर्म क्या कहता था, मरने के बाद तुमको मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसे नहीं, लेकिन इन लोगों ने बताया कि जीवन में ही मिल सकता है। और आदमी को सुखी कैसे रहना है, वह अपनी तृष्णा को त्याग दे, अपनी लालच को त्याग दे, ज़्यादा से ज़्यादा पाने का जो एक लालसा होता है उसको लिमिट कर दे, उसको अपने आप को एक संतुष्टि वाला लेवल पर लेके चला है तो आदमी सुखमय जीवन जी सकता है। तो लोगों को ये बहुत प्रभावित करता है विचारधारा और लोग उसके तरफ मुड़ते चले जाते हैं और धराधर लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे स्वतंत्र विचारधारा का युग भी है ये, उसी समय देखेंगे कि दुनिया में दूसरे दूसरे जगह भी कई जगह पर इस तरह की विचारधाराएँ चल रही है। जैसे चीन में आप देखेंगे कन्फ्यूशियस, वहाँ एक कन्फ्यूशियस है जो उस समय एक धार्मिक आंदोलन चला रहा है और उस समय जो चीन में जो धर्म चल रहा था वह वहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर रहा था, इसके लिए कन्फ्यूशियस वहाँ आते हैं और कन्फ्यूशियस को लोग फॉलो करना शुरू कर देता है। उसी तरह से आप देखेंगे एक व्यक्ति है, उसका नाम है जरथुस्ट, आप देखेंगे जरथुस्ट, और एक व्यक्ति और है उसका नाम अभी हम थोड़ा सा हम अभी भूल रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जरथुस्ट है या कन्फ्यूशियस और पाइथागोरस, आप ईरान, हाँ आप देखेंगे कि यूनान में भी एक जगह है जहाँ पे पाइथागोरस अपना धर्म चला रहे हैं, पाइथागोरस भी वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ धार्मिक आंदोलन चलाए हुए हैं। आप देखेंगे ईरान वाला और फारस वाला क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ जरथुस्ट है, जरथुस्ट वो आंदोलन चला रहे हैं, और भारत में देखेंगे कि महावीर है, भारत में आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, ये लोग आंदोलन चला रहे हैं। एक संयोग की बात है कि वर्ल्ड में कई जगह इस तरह के आंदोलन चल रहे थे एकदम सेम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, तो इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उसका प्रसार पूरे विश्व में होता है, और आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री को छोड़ दीजिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, तो आप देखेंगे अधिकांश एशिया पर यह फैल जाता है और यूरोप के भी कुछ क्षेत्रों में ये फैलता है बौद्ध धर्म। और आप आजकल भी आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म तो आप देखेंगे चीन में है, आप देखेंगे म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब तो देखिएगा कि वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ है, भारत में कम है, विदेशों में ज़्यादा है, जबकि जैनी का प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाता है भारत के अंदर में, कुछ लोग उसको अपनाते हैं लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जैनी और बुद्ध की संख्या, दोनों की संख्या भारत में बहुत ही कम है लेकिन एक महत्वपूर्ण धर्म है। अब आप जैन को समझिए, जैन धर्म को समझिए। देखिए जैन की उत्पत्ति जो होती है वह मानी जाती है जीन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब ये होता है कि आप अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिए हैं, मतलब अगर आपने आ, आ,
अब आप जैन धर्म को अच्छे ढंग से समझिए। देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। जीन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब है वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना, या फिर अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेना, यानी कि उस पर कंट्रोल कर लेना, उसको कहते हैं विजेता। महावीर को भी विजेता कहा गया है, महावीर का तो कई नाम है। अब आप देखेंगे कि जैन धर्म जो है एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। प्रतिक्रियावादी धर्म कहने का ये मतलब है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैदिक धर्म चल रहे थे, उस वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप इस धर्म की उत्पत्ति हुई है, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि उससे पहले तो ब्राह्मण धर्म ही चल रहे थे, और ब्राह्मण धर्म तत्कालिक समस्याओं को समाधान नहीं कर रहा था। वह कुछ मुट्ठी भर लोगों को विशेषाधिकार दे रखा था, और अधिकांश बहुसंख्यक लोगों को वह नाराज कर रहा था, और उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, उनके आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को वह पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके कारण लोगों को एक नए संप्रदाय और नए फिलोसफी, नए दर्शन की ज़रूरत थी, जिसकी पूर्ति जैन धर्म करता है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी धर्म है। प्रतिक्रिया मतलब यह ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ है। इसको एनसीईआरटी के बुक्स में यही लिखा गया है, विद्वान भी यही लिखते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य भी यही बताते हैं। अब आप देखिए, इसके जो प्रवर्तक है वह ऋषभदेव है। महावीर प्रवर्तक नहीं है, महावीर वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि महावीर ने सबसे अधिक काम किया था। और जैन धर्म की जो सबसे ज़्यादा पहचान अगर किसी एक महापुरुष को नाम लिया जाए तो वो महावीर ही है, इसलिए महावीर को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन ऐसे कहा गया है कि इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जैन धर्म के जो जो संस्थापक है, या जिसको प्रवर्तक कहिए, वह है ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, सही मार्ग दिखाए, उनको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, या फिर उनको जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए जो तरीके हैं वो बताए, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। तो ये तीर्थंकर ही माने जाते हैं। तो पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड, और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। लेकिन कहा जाता है कि अयोध्या जो शहर है उसकी उसकी जो विकास हुआ है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, वह 500 BC के आसपास हुआ है। उससे ज़्यादा पुराना अयोध्या शहर नहीं है, लेकिन इनका जन्म अयोध्या में हुआ। और तमाम तरह के जैन के जो ग्रंथ है और उस समय के जो साक्ष्य है, वह यह बताते हैं कि इन अधिकांशतः जैन तीर्थंकरों का जो जन्म होता है वह गंगा के मैदान में होता है, खास करके मध्य गंगा के मैदान में और निचले गंगा के मैदान वाला क्षेत्र में। और उस समय अगर हम ये कहें कि ऋषभदेव अगर पहले तीर्थंकर थे तो हमको 900 BC पहले जाना पड़ सकता है, 900 BC पहले। लेकिन 900 BC पहले अयोध्या जैसे शहर का विकास ही नहीं हुआ था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस समय ऋषभदेव थे? अगर क्योंकि इनका जो साहित्य है ये बताता है कि इनका जन्म शहरों में हुआ है, और शहर तो है ही नहीं उस समय में, अयोध्या में शहर ही नहीं है। तो शहर जब है ही नहीं और कहते हैं ऋषभदेव का जन्म शहर में हुआ है, इसका मतलब है कि यह कोई काल्पनिक पात्र हो सकता है, या फिर कल्पना कर लिया गया हो अति प्राचीन साबित करने के लिए जैन धर्म को, कि चलो भैया उसमें 24 तीर्थंकर हुए और 24वें जो थे वो थे महावीर, और इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। हो सकता है प्राचीनता साबित करने के लिए किया गया होगा, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं बताता है। लेकिन चलिए, खैर जो भी हो, इसको हमें देखना है और हमें पढ़ना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो अगर आप इसके उत्पत्ति के काल को देखेंगे तो उसमें काफ़ी विवाद पैदा हो जाता है। आप उसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं रख सकते, उससे पहले नहीं रख सकते हैं, आप उसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही रख सकते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व को मानेंगे तो 24 तीर्थंकर होना एक कल्पना जैसा लगता है। अब ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वह है सांड, और उसके बाद जो जो तीर्थंकर बनते हैं उनका नाम है अजीत। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी से दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पे संभव बनते हैं, संभवनाथ, वो उनका जो जो प्रतीक है वो है घोड़ा। तो आप याद रखे रहिएगा, पहला वाले जो लोग हैं, पहला वाले जो ऋषभदेव है उनका पहचान सांड है, दूसरा का हाथी है, तीसरा का घोड़ा है। तो ये तीन को तो ऊपर वाला याद रखना होगा, 1 2 3, है ना।
सांड, हाथी, घोड़ा, उसके बाद अभिनंदन है, सुमित नाथ है, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ है, चंद्र प्रभु है, सुबुद्धिनाथ है, शीतलनाथ है, श्रेयांशनाथ है, वासुपूज्य है, विमलनाथ है, अनंतनाथ है, धर्मनाथ है, शांतिनाथ है, कुंथुनाथ है, अर्रनाथ है, मल्लीनाथ है, मुनि सुबत है, नेमीनाथ है, अरिष्ट नेमी है। अरिष्ट नेमी ये जो है 22वें तीर्थंकर है, तो यहाँ से आपको जरूर याद रखना है 22, 23, 24 को। अरिष्ट नेमी जो कृष्ण के संबंधी है, इनका प्रतीक शंख है, तो अरिष्ट नेमी को याद रखना है। उसके बाद 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिनका प्रतीक सर्पफन है। सर्पफन ये इनका नाम में ही लग रहा होगा, पार्श्वनाथ है ना, सर्पफन। और महावीर, महावीर स्वामी है, इनका जो प्रतीक है वो है सिंह, क्योंकि ये विजेता होते हैं, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बलशाली और शक्तिशाली माना जाता है, इनको महावीर कहा जाता है, तो इनको महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो इस तरह से आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद की रचना काल अगर आप देखेंगे तो वो है 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में ऋग्वेद लिखा गया, तो इसी बीच में इस पात्र को भी रखा जा सकता है, ऋषभ देव को और अरिष्ट नेमी को। तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का काल जो है वो 1000 से 1500 BC के बीच में रखना पड़ेगा अगर ऋग्वेद में इसका चर्चा किया गया है, ये चीज़ है। अब देखिएगा इसमें वास्तविक संस्थापक तो महावीर को ही कहेंगे। अब महावीर का जो जन्म हुआ है वह 540 BC में हुआ था, और इनका जन्म होता है, महावीर का जन्म होता है 540 BC में वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम है, एक गांव है कुंडग्राम, ये वैशाली जिला में पड़ता है जो कि बिहार में आजकल है। बसाढ़ नाम का एक जगह है, उसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, और उसको वर्तमान के वैशाली से देखा गया है कि वो वहीं उनका जन्म हुआ था। देखिए महावीर जी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता है। एक बार BPSC में क्वेश्चन दिया था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, एक ऑप्शन में दिया था वैशाली, दूसरा में दे दिया कुंडग्राम, और ऐसे ऐसे दो और ऑप्शन थे, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया कि पहला ऑप्शन में वैशाली दिया हुआ था वहीं पे मार दिया, और उन्होंने दूसरा नंबर देखा ही नहीं, दूसरा में कुंडग्राम दिया हुआ था। जबकि BPSC में जब आंसर की जारी किया उसमें कुंडग्राम को उसने सही माना, यानी कि आपको उस ऑप्शन को सही मानना है जो सबसे नज़दीक हो, यानी कुंडग्राम वैशाली से भी नज़दीक है। वैशाली एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जबकि कुंडग्राम एक जगह हो जाता है, इसलिए कुंडग्राम ज़्यादा सही होगा। तो कुंडग्राम को सही माना गया था, 540 BC में हुआ। बचपन में उनका नाम था वर्धमान, वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे, हम आपको पहले ही बताए थे, क्षत्रिय लोगों ने ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी शुरू की थी, वर्णवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी शुरू की थी। अब ये जो इनके पिता है उनका नाम था सिद्धार्थ। अब आपको लग रहा होगा सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम है, तो बड़ा संयोग की बात है। आप देखेंगे इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, लिच्छवी के शासक था चेतक। लिच्छवी में आपको पता है कि गणराज्य हुआ करता था, और कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य पहला लोकतंत्र के स्थापना का भी, एक पृथ्वी पर पहला लोकतंत्र की स्थापना भारत के बिहार राज्य में लिच्छवी गणराज्य में होता है। तो उसी गणराज्य की जो जो शासक था चेतक, उसकी बहन थी त्रिशला, तो स्वाभाविक बात है कि उसका असर तो महावीर पर भी पड़ेगा, और वह भी शुरू लगातार जो है वही गणतांत्रिक और डेमोक्रेटिक माइंड के वो भी शुरुआत से ही रहते हैं। बाद में खैर वो गृहस्थी जीवन जीते हैं, और 30 साल जब हो जाता है तब वह गृह त्याग देते हैं अपने भाई नंदीवर्धन के कहने से, और 42 साल जब होता है यानी 12 साल कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जब वो 42 साल के होते हैं, तो उस पर तो अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए पत्नी का नाम है यशोदा। अब आपको यहाँ भी एक कॉमन आपको लगेगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम भी यशोधरा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पत्नी का भी नाम है यशोदा बेन। तो आपको लग रहा होगा कि तीनों में कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अब क्या कॉमन है, इन्होंने भी अपने गृह को त्याग दिया था, पत्नी को छोड़ा था, और बुद्ध ने भी छोड़ा था, और मोदी ने भी छोड़ा है, तो आपको इस पर कुछ कॉमन लग रहा होगा, खैर वो तो अलग बात है। देखिए पुत्री का नाम इनका अनुज्ञा प्रियदर्शनी है, कहीं कहीं अनुज्ञा लिखा होता है, कहीं प्रियदर्शनी, अनुज्ञा प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम है। उसका विवाह होता है जमाली से, जमाली मतलब इनका दामाद होता है, और यही जमाली महावीर के प्रथम शिष्य बनते हैं, जमाली। तो याद रखना है आपको,
कि प्रथम शिष्य जमाली बनता है, जबकि शिष्या जो है वो दधिवाहन नरेश, वो अभी आपको हम बताते हैं कि प्रथम जो है शिष्या कौन बनती है। अभी आप शिष्य को समझिए, 30 वर्ष में गृह त्याग दिए, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, उसके बाद जृम्भिक ग्राम में एक जगह है जृम्भिक ग्राम, वहाँ पे ऋजुपालिका नदी है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल का पेड़ था, वो साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य माने होता है ज्ञान, उनको ज्ञान मिलता है। हालांकि वो काफ़ी रिसर्च कर रहे होते हैं 12 साल में, ऐसा थोड़ी है कि कोई वृक्ष के नीचे बैठ जाए सिर्फ ऐसे हाथ करके योग की मुद्रा में और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, नहीं, वो काफ़ी रिसर्च कर रहे थे अपने दिमाग में, काफ़ी चीज़ों को सोच रहे थे, समझ रहे थे, और 12 साल तक उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा, रिसर्च किया होगा, तभी तो उनके अंदर में ज्ञान आया होगा और तब जा कर के विश्व को उन्होंने आलोकित किया धीरे धीरे अपने ज्ञान से, और इससे पूरा वर्ल्ड जो है उससे लाभान्वित हुआ। अब देखिए उनका जो नाम है वो कई नाम है, जैसे जिन है, जिन माने विजेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, अरहत उन्हीं को कहा जाता है, निग्रंथ उनको कहते हैं, केवलिन कहते हैं, नाथपुत कहते हैं उनको, ये सब कुछ नाम है महावीर का। आप देखेंगे कि उनका निधन 72 साल में होता है, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, और पावापुरी जो है वो राजगृह में पड़ता है, अभी वर्तमान में बिहार में है, और वो जो राज्य था वह मल्ल के अंतर्गत आता था, मल्ल गणराज के अंतर्गत, सुस्तपाल वहाँ के नरेश हुआ करता था राजा, उन्हीं के राज्य क्षेत्र में महावीर साहब का निधन हो गया। अब आप जैन धर्म के सिद्धांत को समझिए। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत के बारे में बात किया गया है, पंच महाव्रत इसको कहा गया है। क्या होता है ये देखिए, इसमें अहिंसा, हिंसा बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए तो जैनी लोग ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं। आप देखेंगे कि आजकल गुजरात में और राजस्थान में कॉन्सनट्रेट है, बाकी जगह भारत में मिलते नहीं है, एक आध जगह साउथ में कहीं पे कर्नाटक वगैरह में मिलते हैं, तो ये लोग देखेंगे कि मुख्यतः व्यापारी है, इसीलिए तो बहुत संपन्न है। भारत में कोई भी धर्म को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा संपन्नता जैनियों में है। जैनी लोग मतलब अपने बलबूते पर, मेहनत के बल पर, ऐसा नहीं कि चोरी डकैती करके, उन्होंने मेहनत के बल पर उसको अपने आप को बहुत बिल्डअप किया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैनी लोग हैं। तो ये लोग जो है हिंसा नहीं हो इसका ख्याल रखते हुए कृषि कार्य नहीं करते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें जीवों की हिंसा होती हो, और तो इसीलिए जो है ये लोग मुख्यतः व्यापारी बने हुए हैं और व्यापार में ये उन्नति करते जा रहे हैं, और इनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए एक बार जैनी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक होने के लिए जो क्राइटेरिया है वह सिर्फ ये नहीं है कि आपकी संख्या कम है तो आप अल्पसंख्यक है, इससे ये भी होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होनी चाहिए और आपका उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए समाज में या सरकार में या राज्य में। लेकिन आपका तो प्रतिनिधित्व तो उचित है, आप तो पैसे वाले हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो आपको क्यों मिलना चाहिए माइनॉरिटी का दर्जा? तो इनको नहीं दिया गया, माइनॉरिटी का दर्जा जैनियों को नहीं मिला हुआ है, जबकि आप देखेंगे कि ईसाइयों को, मुसलमानों को, इन सबको माइनॉरिटी का दर्जा सिखों को मिला हुआ है, लेकिन जैनियों को नहीं मिला हुआ है। अब देखिए सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें वो कितना सच बोलता है वो तो खैर डिबेटेबल बात है, लेकिन इन्होंने कहा था कि बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, साथ ही साथ अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना है, एकदम से जो है ना ईमानदारी से काम करना है, चोरी बिल्कुल नहीं करना है, चोरी से पाप लगता है, और ऐसे भी भारत के संविधान में, इंडियन पिनल कोड में तो देखते ही हैं चोरी का एक सज़ा भी है। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना है, यानी कि धन का संचय उनके लिए स्पेशली ये बताया गया जो जैनी भिक्षु होते थे, लेकिन जो लोग भिक्षु नहीं हो गृहस्थ जीवन जिएंगे वो जमा कर सकते थे, उनको ज़्यादा रोक नहीं था, इसीलिए तो उनको अनुव्रत कहा गया कि 5 महाव्रत नहीं बल्कि उनको अनुव्रत को मानना है, 3 को मानना है, अहिंसा सत्य और अस्त्य वाला, अपरिग्रह वाली जो बात है वो उनके लिए ढील है, वो जमा कर सकते हैं। तो व्यापारी लोग तो देख ही रहे हैं इतना इतना और वो खरबों में खेल रहे हैं, तो पैसा जमा नहीं करते तो कहाँ से खेलते। वह है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो भिक्षु है उनको तो कठोरता के साथ पालन करना है, बिल्कुल जो है अपने ऊपर पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल करने ला है, वासनाओं को पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रखना है, इसीलिए तो ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। महावीर के बारे में तो कहा जाता है कि जब घर त्याग करके
जब निकल गए थे, गृह त्याग किया था, तो उन्होंने जो कपड़ा पहन रखा था वही कपड़ा वो अगले 12 साल तक पहनते रहते हैं, यानी कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होता है वह कपड़ा भी एकदम चिथरा हो चुका होता है। 12 साल तक एक ही कपड़ा पहना, तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या स्थिति होगा। धीरे धीरे वह कपड़ा फटफट करके गिर गया, वह कपड़े खाली हो गए, वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के रहने लगे, यानी कि उसके बाद वो पूरी तरह से दिगंबर की तरह रहने लगे, बिना कपड़ों के वो लोग रहते हैं। तो उस समय उनको पागल उगल भी कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। बाद में उनके उनके वचनों को लोगों ने सुना और कहा कि ये बहुत ही काम का है, ये बहुत ही कीमती है, तब बाद में लोगों ने उनको वैल्यू देना शुरू किया। तो ये आपने पंच महाव्रत को समझ लिया है। अब आप समझिए अनुव्रत गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए था, वो दो को छोड़ करके बाकी तीन को जो ये है वो फॉलो करना है उनको। अब त्रिरत्न है, देखिए ज्ञान ध्यान और आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। आप ज्ञान हासिल करेंगे किसी न किसी जैनी साधु के नज़दीक में बैठ करके, तभी ना उसको ध्यान में भी उतारेंगे, तभी ना उसको अटेंशन भी करेंगे, और तब वो आपके आचरण में ढलेगा। कोई भी बात को आप सीखते हैं पहले, कहीं ना कहीं से सीखते हैं, कोई ना कोई सोर्स से उसको हासिल करते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और उसके बाद ही वो आपके व्यवहार में ढलता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है त्रिरत्न है ज्ञान ध्यान और आचरण, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो अलग है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम और संघम शरणम। तो उसका जो है बुद्ध संघ और उसका धम्म अलग है। ये है आपका जैनियों का ध्यान ज्ञान ध्यान और आचरण। उसके बाद है स्यादवाद। स्यादवाद क्या होता है, देखिए सात नए, नए का मतलब होता है ज्ञान यानी आंशिक ज्ञान। इन्होंने कहा कि सात नए होता है जिसको इन्होंने स्यादवाद कहा, या इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, या इसी को सप्तभंगी कहते हैं, या इसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, इतना नाम है ना, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी या सापेक्षता का सिद्धांत। ये क्या होता है, इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु के बारे में जो भी निर्णय कोई व्यक्ति लेता है तो वह 100% सही नहीं हो सकता है या 100% गलत नहीं हो सकता है, बल्कि वह किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष में ही निर्णय लेता है, उसके कंपेरेटिवली उसका निर्णय होता है। तो आप कभी भी किसी वस्तु को बिल्कुल भी सत्य या असत्य साबित नहीं कर सकते हैं। यही जो जो मेन खोज है, ज्ञान है, या जैनियों का खोज था, इसी को कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। सब कुछ सापेक्ष है ना, या तो किसी वस्तु के संदर्भ में कोई बढ़ रहा है या कोई घट रहा होता है, यही होगा। उसके बाद है एक संलेखना, एक शब्द आपने सुना होगा। संलेखना का मतलब होता है बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए हुए अपना प्राण को त्याग देना। ये जैनी भिक्षु लोग करते हैं जब उनको प्राण को त्यागना होता है स्वयं से, एक तरह से समझ लीजिए अपनी आत्महत्या टाइप का ये हो गया। तो वो निराहार और निर्जल रह करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी तरह से संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। तो आगे देखिए देवताओं के बारे में क्या सोचते हैं जैनी। देवता का अस्तित्व तो है ये मान के चलते हैं, है, लेकिन वो जो है जीन से नीचे है, जीन से ज़्यादा बराबरी में नहीं है, जीन से ऊपर नहीं है, जीन के नीचे है, देवता है। ऐसे तो जैनी भी देवताओं पे विशेष फोकस नहीं करते हैं, ये भी कहते हैं कि देवता का अस्तित्व नहीं के बराबर है, अगर है भी तो वो जीन के नीचे है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है इनका, देखिए वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ही आंदोलन चला था जिसमें जैन और बौद्ध जैसे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो लेकिन आप देखेंगे कि जैनी लोग जो है ना वह पूर्व जन्म को मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि पूर्व जन्म में जो जो हमने पाप किया होगा या जो पुण्य किया होगा उसी के आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है, कि ब्राह्मण में पैदा होंगे, कि क्षत्रिय बनेंगे, कि वैश्य बनेंगे, कि शूद्र बनेंगे, या पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो एक तरह से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था को इतना ज़्यादा यह विरोधी नहीं है जितना बौद्ध है। बौद्ध तो स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, और इसीलिए उनके यहाँ जो है बौद्ध धर्म में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उनके अनुयायी ज़्यादा बन जाते हैं, और विश्व में भी बहुत जगह वो फैल जाता है। तो आपने ये देखा है। साथ ही साथ ये बहुत कठोर है, ये अहिंसा पे बहुत जोर देता है और ब्रह्मचर्य पे। इसके कारण इतनी कठोर है कि लोग जो है ना इतनी कठोरता चीज़ों को अपनाने से थोड़ा डरते हैं,
थोड़ा भागते हैं उसे, तो ज़्यादा कठोर है। लेकिन बौद्ध धर्म को देखेंगे तो वो एक मध्यम मार्ग अपनाता है, मिडिल। तो मध्यम मार्ग अपनाना थोड़ा आसान था कठोर से, इसीलिए बौद्धिस्ट ज़्यादा लोग बन गए थे। अब आप देखिए कि जैन धर्म का प्रचार कैसे होता है, प्रसार कैसे होता है। जैसे ही महावीर की ज्ञान की प्राप्ति होती है, महावीर सबसे पहला अपना उपदेश राजगृह में देते हैं विपुचल पहाड़ी के ऊपर, और चंदना जो चंबा नरेश की पुत्री होती है वह सबसे पहले भिक्षुणी बन जाती है महावीर स्वामी का। उसके बाद उनका जो शिष्य होता है वह 11 भागों में बटा हुआ है। अभी आपको हमने बताया था कि जमाली उनका प्रथम जो अनुयायी होते हैं, वो पुरुष के रूप में शिष्य होते हैं और महिला के रूप में चंदना होती है। अब देखिए प्रधान शिष्य है वो 11 है, वो 11 गंधर्व में बटा हुआ है। और कुछ शिष्यों का नाम जैसे आनंद, सुरदेव और कामदेव, इसको याद रखना है, आनंद, सुरदेव, कामदेव, ये प्रमुख शिष्य है इनका, 11 गंधर्व में बटा हुआ है इनके शिष्य। भाषा जो है मुख्यतः प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका जो ग्रंथ है वो अधिकांशतः जो है वो आप देखेंगे कि प्राकृत भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, अर्धमागधी में लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि उस समय जो प्रचलित भाषा थी, स्थानीय लोग बोलते थे, जिसमें वो व्यवहार करते थे, जो आम लोगों की बोलचाल थी, उसी बोलचाल में इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया और उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया। संस्कृत का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि संस्कृत कुछ खास लोग ही बोलते थे, मुट्ठी भर लोग, ब्राह्मण लोग का खास उस पर वर्चस्व था, तो उस भाषा का प्रयोग नहीं करके इन्होंने किया, इसीलिए इनको ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हो गई। उसके बाद इनका आप देखेंगे कि पावापुरी में एक जैन संघ भी बनाया, जबकि संघ नहीं बनाएंगे तो प्रचार कैसे होगा। भारत में भी आपने आर्टिकल 19 में पढ़ा है कि भारत के नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाकर के ही तो प्रचार होगा। तो इन्होंने जैन संघ बनाया। उसके बाद मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना था, तो इसको याद रखना है कि सुधर्मन नाम का व्यक्ति है जो जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। साथ ही उनके अनुयायी शासक हुए, कई सारे अनुयायी शासक हुए जो इनको फॉलो किए, इनको बढ़ावा दिया, इनको आर्थिक मदद किया, उनको प्रचार प्रसार किया, उनके लिए बहुत सारे संसाधन जुटाया। तो कौन कौन थे? जैसे लिच्छवी नरेश चेतक, ये जो है अनुयायी शासक थे महावीर के। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में तो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तो काफ़ी बड़े समर्थक थे और संलेखना विधि से प्राण त्यागा था। ये कर्नाटक में भी गए थे धर्म प्रचार के लिए, ये भी आपको पता है। अमोघवर्ष जो है वो भी एक राजा है, वो भी जो है इनके अनुयायी है। खारवेल नरेश जो है आपको पता है कलिंग के राजा थे, वो खारवेल, वो भी जैनी है। चंड प्रद्योत जो अवंती का राजा है, उसी तरह दधिवाहन जो चंपा का नरेश है, चंपा का वो राजा है। तो ऐसे ऐसे जो है ना, चेतक हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, अमोघ वर्ष हो, या ये आपको खारवेल हो, या चंद प्रद्योत या दधिवाहन हो, ये जैनी है और जैन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद विभाजन कैसे हो गया ये देख लीजिए। देखिए परिशिष्ट पर्वन नाम का एक किताब है, एक बुक है, जिसको हेमचंद्र ने लिखा है। उसने बताया कि मगध में एक बार अकाल पड़ गया, बहुत भयानक अकाल पड़ा, 12 वर्ष का काल था। तो वहाँ जो जैनी लोग रहा करते थे, वो जैनी लोग क्या किए कि उसका एक ग्रुप श्रवण वेलगोला यानी कर्नाटक में चला गया। कर्नाटक में जो गए, उसका जो गुरु थे भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक में चला गया। और एक दूसरा ग्रुप जो था, वो दूसरा ग्रुप स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गया। तो एक जो कर्नाटक में गया श्रवण वेलगोला में, वो 12 वर्ष के बाद फिर से वापस लौटता है वही मूल रूप में। यानी कि उस समय वो सब महावीर को फॉलो करते थे, महावीर कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर के रूप में रहते थे, और उस समय मगध में भी दिगंबर के रूप में ही लोग रहते थे। एक ग्रुप चला गया कर्नाटक में और कर्नाटक वाले पूरी तरह से फॉलो करते रहे दिगंबर के रूप में। और जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं मगध में ये लोग जो है, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये लोग तो कपड़ा पहन रखे हैं। तो इनको बड़ा बुरा लगता है भद्रबाहु को, और उस स्थूल भद्र के साथ उनका मतभेद हो जाता है। वो बोलते हैं कि आप लोगों ने महावीर के जो ज्ञान है, जो महावीर के आदेश था, जो महावीर का जो आदर्श था, आपने उसको त्याग दिया है। अब आप लोग जो है सही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने उस आदर्श को दरकिनार कर दिया है। तो स्थूल भद्र कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये हमारे और आपके बोलने से नहीं हुआ, एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, उसमें विद्वानों को बुलाते हैं, उसमें डिबेट होगा, और तब उसमें देखेंगे कि हम सही है कि आप सही है, कि उसमें क्या होगा। उसमें विद्वान जनों को आने दीजिए और वहाँ पर फैसला किया जाएगा।
ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होता है। आपको पता है कि 300 बीसी पूर्व प्रथम जैन संगीति हुआ पाटलिपुत्र में। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करता था और स्थूलभद्र जो है उसी ने बुलाया था एक विद्वानों का महासभा, उसको बोलते हैं जैन संगीति। लेकिन इसमें मतभेद इतना ज़्यादा हो गया भद्रबाहु के साथ कि इन लोगों ने बिल्कुल बात को नहीं माना और ये लोग अलग हो गए। तब से यह जो जैन धर्म है दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है दिगंबर, एक हो जाता है श्वेतांबर। तो आपको पता ही है श्वेतांबर कौन होगा, दिगंबर कौन होगा। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में होता है और श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में होता है। देखिए इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि श्वेतांबर में महिलाएं आने लगती है, महिलाएं भिक्षुणी बनने लगती है, और दिगंबर में महिलाएं भिक्षुणी नहीं बन सकती है क्योंकि कपड़े ये पहनते नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया है। श्वेतांबर जो है वो थोड़ा सा कम कठोर है और दिगंबर थोड़ा ज़्यादा ही कठोरता की बात करता है। तो दोनों में ये मेन अंतर है और धीरे धीरे ये दो पंथ में, दो अलग अलग समझिए संप्रदाय में अलग हो गया, एक दिगंबर बन गए, एक श्वेतांबर हो गए। उसी तरह से देखेंगे दूसरा जैन संगीति भी होता है। उसके बाद एक दूसरा जैन संगीति होगा, उसका डेट है 512 ईस्वी गुजरात में। आप एक देख रहे हैं 300 बीसी में हुआ था जो पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा जैन संगीति होगा 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में होगा। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, अंतिम रूप से जैन के किताबों को जो जैन ग्रंथ है उसका संकलन किया जाएगा। वैसे आपको पता है कि जैन जो ग्रंथ है उसको आगम कहते हैं, आगम जैन ग्रंथों को कहते हैं आगम। और जो जैन के जो ग्रंथ है वो अधिकांशतः लिखे गए थे प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी में। तो ज़्यादातर किस भाषा में लिखे गए थे, अर्धमागधी में। तो इसको आपको याद रखना है। उसी तरह से परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का है, उसी तरह से भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपद की चर्चा है, ये सब जैनी ग्रंथ है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आप समझिए कि जैन धर्म का प्रसार ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया। देखिए जैन धर्म बहुत कठोर है, इतना कठोर था कि इसको अपनाना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही इसने संघ भी कम बनाया, यानी कि ज़्यादा संघ नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा प्रचार नहीं होगा। बौद्धों ने काफ़ी संघ बनाया, बहुत सारे संघ बनाए, और इनका राजा जो इनका जो समर्थक राजा थे वो उसकी संख्या भी कम थी, जबकि बौद्धों को समर्थन देने वाले राजाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इसके कारण बौद्ध जो है वह ज़्यादा प्रचार करता है, ज़्यादा वो प्रसारित हो जाता है, विश्व में फैलता है, जबकि जैन जो धर्म है वह विश्व में फैल नहीं पाता है, भारत के अंदर में ही रह जाता है और धीरे धीरे इसकी अनुयायी कमते चला जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जाति प्रथा का बहुत कठोर विरोध नहीं करता है ये जैन धर्म। आपने यहाँ देखा ही होगा कि जाति प्रथा का ज़्यादा कठोरता से विरोध नहीं करता, जबकि बौद्ध जो है वह पूरी तरह से जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के एकदम खिलाफ है। इसके कारण वो थोड़ा ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, उसमें ज़्यादातर वो लोग जुड़ गए जो कि जाति और धर्म में उनको लगता था कि उनको बहुत ही नीचे रखा गया है, शूद्र थे, ऐसे लोग उसमें जुड़ते चले गए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि महिलाओं को इसमें एंट्री तब मिलेगा जब श्वेतांबर आएगा, जबकि बौद्ध धर्म जो है महिलाओं का एंट्री बहुत पहले ही हो गया था और उसमें बहुत अधिक महिलाएं भी बौद्धिस्ट बन गई थी। इसके कारण भी बुद्ध का ज़्यादा प्रचार हुआ और जैन धर्म का प्रचार कम हो पाया। तो ऐसे मुख्य मुख्य कारण थे। और ऐसे भी आप देखेंगे कि जैन धर्म में ज़्यादातर जो वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च थे, जैसे ब्राह्मण लोग थे, वही ज़्यादातर इसमें आ गए थे, तो उनकी संख्या मुट्ठी भर थी, लेकिन अब वही लोग ज़्यादा आ गए थे। एक तरह से समझिए कि हैके कर लिया पूरे जैन धर्म को, जिसके खिलाफ था वही लोग इसमें आके जुड़ गए। तो इससे क्या हुआ कि इनका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया। तो आप, आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अब हम जब नेक्स्ट में मिलेंगे तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान जैन धर्म में पैदा नहीं हुए। बौद्ध धर्म में जिस तरह से विद्वान पैदा हुए थे, जिस तरह से उन्होंने महावीर को विहारों को बनाया था, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस बनाए थे, उस तरह के कॉलेज की स्थापना, उस तरह के विद्वान लोग इसमें पैदा नहीं हो पाए, इसलिए जैन धर्म ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, ज़्यादा प्रसारित नहीं हो पाया। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।